हेलो एवरीवन, आज है संडे और संडे होने के साथ साथ आज हलखष्ठी व्रत है, जो सभी माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए रखती हैं। हलखष्ठी व्रत को ललही छठ भी बोलते हैं हम सबके यहाँ, और यहाँ बोलते हैं हलखष्ठी व्रत। तो आज हम भी हलखष्ठी व्रत हैं। वैसे जब से हमारा बाबू हुआ है, मतलब बेटा हुआ है, गोलू हुआ है, तब से हम रहते हैं, तो आज भी है हलखष्ठी व्रत। और आप लोगों को पता है इस साल तिन्नी का चावल जो होता है वो 400 रुपए किलो में बिक रहा है। हर बार 300, 150, 200 में बिकता है, लेकिन इस बार 400 में बिक रहा है। एक तो लॉकडाउन है, कहीं मिल नहीं रहा है, दूसरी चीज किसी के पास इतनी आमदनी भी नहीं है, लेकिन महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो हमारे यहाँ भी आधा किलो चावल आया था जो कि 160 रुपए का मिला था। हमने 4-5 दिन पहले ही चावल मंगा लिया था, इसकी वजह से थोड़ा सस्ता मिल गया था। और ताल में जो होता है करमुआ का साग, उसको खाते हैं आज के दिन, तो ताल से करमुआ का साग आया था। और वो कैसा आया था आपको वो भी बताते हैं। करमुआ का साग जो आया था एकदम बिल्कुल बेकार आया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ डंडी डंडी ही दिख रही थी, पत्ते नाम के नहीं थे, सिर्फ इतने से पत्ते निकले हैं। उसको हमने कट करके रखा है तो कुछ नहीं मिलेगा, तो नमक में सेंधा चावल में सेंधा नमक और डाल के खाएंगे, थोड़ी सी दही मिली है। तो आज जो खाया जाता है वो जिस खेत में हल नहीं चला होता है, मतलब जिस खेत में बोया और जोता नहीं गया होता है, उस खेत का सभी सामान खाया जाता है। तो तिन्नी का चावल जो होता है वो भी ताल में ही होता है, और जो ताल में करमुआ भी ताल में होता है, और भैंस की दही खाई जाती है, भैंस का दूध खाया जाता है, और भैंस की घी से भी हम साग को छौंकते हैं, मतलब बनाते हैं। गाय का इसमें कुछ भी नहीं खाया जाता, ना दूध पिया जाता है, ना दही पिया खाया जाता है, कुछ भी गाय के मतलब गाय के दूध से बनी हुई किसी भी चीज का इस्तेमाल इस व्रत में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ भैंस कि दूध से बनी हुई चीज से इस्तेमाल होता है। भैंस के दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ सब कुछ आप खा सकती हैं। तो अभी हम आ चुके हैं किचन में। किचन में सबसे पहले हम चावल रख देंगे पकने के लिए। तो हम चावल को खोल के देख रहे हैं कि इसमें पानी डाला था कि नहीं डाला था, तो उसमें चावल धुल के पानी डाल के कुकर का ढक्कन लगा दिया था। दूसरी तरफ बनाएंगे अपने लिए करमुआ का साग। आप लोगों को पता ही है आज तीन छठी का दिन था, तो करमुआ का साग और चावल ही खाया जाता है। तो अभी टाइम शाम के 3 बज रहे होंगे, और दिन में एक ही बार हम खाते हैं, तो वही 3-4 बजे के लगभग बनाते हैं। तो जब बन जाता है खा लेते हैं, फिर रात में कुछ भी नहीं खाते हैं, मतलब तिन्नी छठ के दिन एक ही टाइम खाना खाते हैं। अगर किसी का नहीं चलता है, जैसे बिना खाए बिना नहीं रह जाता है, भूख लग जाती है, तो 2 बार खा सकता है, लेकिन जिसका चल जाता है तो वो नहीं खाता है। तो मेरा यहाँ पे चल जाता है, एक ही बार मतलब शाम के टाइम खा लेते हैं। पूजा करके आते हैं तो सीधे महुआ खा के पानी पी लेते हैं, तो कुछ देर तक वो रहता है, क्योंकि प्यास ज्यादा लगती है, गर्मी का मौसम रहता है, तो पानी पी लेते हैं तो काफी देर तक राहत रहती है। तो शाम के टाइम हम उठते हैं तो ये वाला चावल और साग बनाते हैं। तो साग को हमने छौंक दिया था, उसको गलने का इंतजार कर रहे थे, गल जाए साग तब उसमें नमक ऐड करें, क्योंकि जब साग ज्यादा होता है तो नमक का अंदाजा नहीं हो पाता है। तो इसमें हमने ऐड कर दिया है सेंधा नमक, और सिर्फ देसी घी से और मिर्ची से हमने साग को छौंका था। अब हम देख लेते हैं हमारा साग पक चुका है कि नहीं। साग बहुत अच्छे से गल चुका है, और थोड़ी सी हमें भैंस की घी भी मिल गई थी, तो भैंस की घी में हमने मिर्ची डाल के साग को छौंक दिया था। और मिर्ची हमारे यहाँ यहीं बाहर गार्डन में है, वहां से हमने तोड़ के लाई थी। आप लोगों को दिखा रहे हैं साग कितने अच्छे से हमारा बन चुका है, गल चुका है, और बहुत थोड़ा सा हुआ साग गलने के बाद, तो साग भी बन चुका है, और जो हमने चावल उधर रखा था वो भी बन चुका है। तो देखिए ये वाला चावल लाल लाल होता है थोड़ा सा, तो चावल बन चुका है, साग बन चुका है। आज का खाना यही है, आप लोग भी थोड़ा प्रसाद के रूप में खा लीजिएगा। तिन्नी का चावल, करमुआ का साग और दही आप देख सकते हैं कितना थोड़ा सा है, क्योंकि थोड़ा सा हमें मिला था चढ़ाने के लिए, तो उसमें से आधा दही हमने चढ़ा दिया था, बाकी आधा दही हमने रख लिया था खाने के लिए। और ये भैंस की दही है, तिन्नी का चावल है, साग है, हरी मिर्च ले लिया है। तो चलिए हम खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे खाना लेके आए तो बच्चों को भी शौक चढ़ा था कि हम भी खाएंगे। वैसे गौरी साग और चावल खाती है, इसको पसंद है, लेकिन गोलू नहीं खाते हैं, लेकिन साग और चावल सब जब बताने लगे कि बहुत ज्यादा टेस्टी बना है, बहुत ज्यादा अच्छा है, गरम गरम साग चावल वैसे भी अच्छा लगता है,
तो गोलू ने भी प्लेट लेके आ गए कि हमें भी खाना है। तो देख सकते हैं गोलू की प्लेट में हमने थोड़ा सा चावल और साग दही डाल दिया है, तो थोड़ा सा ही खाया गोलू ने, क्योंकि गोलू साग कभी नहीं खाते हैं। ठंड के मौसम में जो पालक आती है उसको भी नहीं खाते हैं। अगर दाल वगैरह में बथुआ पालक कुछ भी डाल दिया जाता है, जिसको लगदवा बोलते हैं, तो दाल भी नहीं खाता है, और पता नहीं कैसे आज खा लिया प्रसाद के रूप में। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं और हम भी खा रहे हैं, और चम्मच लिया था लेकिन चम्मच से खाते नहीं बन रहा था, इसलिए हमने हाथ से मिक्स करके खाया। और यहाँ पे आज आप लोगों को दिखा देते हैं, हमने ये वाली साड़ी पहनी थी। ये वाली साड़ी 1500 की है, 1500 की। जब हमने ये वाली साड़ी लेके आई थी तो मुझे कुछ ज्यादा महंगा लग रहा था, क्योंकि इसमें कोई भी वर्क नहीं है, थोड़ी थोड़ी बूटी ऐसे लगी है, मतलब क्या बताएं आपको, नीचे की तरफ। और पूरी साड़ी आप लोग देख ही सकते हैं प्लेन है, इसमें गोटा है, इसमें फाल वगैरह कुछ नहीं हमने लगाया। नीचे जो चौड़ा वाला गोटा है वो गोटा है, इसमें फाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। और ब्लाउज और जो गोटा है एकदम सेम मैच करता है। तो आप लोगों को हमने सोचा अपनी साड़ी दिखा देते हैं, ये वाली आज पहन रखी थी। और पूजा पाठ में पीली वाली साड़ी, पीला लाल पहना ही जाता है, तो ये वाली साड़ी पूजा, जब भी कोई पूजा होती है तो हम यही वाली साड़ी पहन लेते हैं। और जब पीले कलर के कपड़े पहनते हैं हमको बहुत अच्छा लगता है। ये वाली साड़ी, इस कलर की साड़ी एक और भी है, हमने आप लोगों को दिखाया था रक्षाबंधन के दिन शायद पहन रखी थी ये वाली साड़ी। तो कुछ इस तरह से है ये वाली साड़ी, और ये वाली साड़ी हमने 1500 रुपए में खरीदी थी। थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई है, और बारिश होने के बाद गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। हाँ, फेंक दो। तो आज सुबह पूजा करने की जल्दी थी तो कपड़ा नहीं धुला गया है, तो चल रहे हैं अब इस टाइम पे कपड़ा धुलेंगे। और गोलू, गौरी सबके कपड़े इकट्ठे हुए थे, क्योंकि जब बच्चे नहा लेते हैं उसके बाद हम कपड़ा धुलते हैं, मतलब किचन का काम खत्म हो जाता है उसके बाद कपड़े धुलते हैं। आज चले गए थे पूजा करने तो इन लोगों का कपड़ा धरा की धरा रह गया है। तो वही गौरी अपना कपड़ा फेंक रही है, और देखिए देख लीजिए। तो गौरी ने भी साग चावल खा, वैसे गौरी को साग चावल पसंद है। कहाँ हिला रहे हो जी, कितनी बार मना करो फिर भी तुम लोग नहीं सुनते हो। गौरी को साग चावल पसंद है, दही भी पसंद है। गौरी पालक का साग बनता है तो खाती है, लेकिन गोलू जो है उसको जब ठंडी आती है पालक का साग बनता है तो वो साग नहीं खाता है। लेकिन आज इसको भी शौक चढ़ा था साग चावल खाने का, कि ये लाल वाला चावल के साथ साग अच्छा लगता है कि नहीं। लेकिन इनको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा ज्यादा नहीं बता पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा देखी देखा इन्होंने भी खाया। तो इस वीडियो का यहीं पे एंड करेंगे। एंड अगर न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बोल रही हैं, बाय बाय।